हे गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस बोल्ट ऑडियो की तरफ से उनका एक नया नेकबैंड लॉन्च हुआ है जिसका नाम है बोल्ट ऑडियो जेड चार्ज। और गाइस ये जो प्रोडक्ट है काफी बढ़िया लेवल के फीचर्स के साथ में आता है। साथ में ये जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च हो चुका है, अभी अवेलेबल है अमेजोन पर। अगर आप लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे मिलेगी, वहां से जाके आप इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन गाइस खरीदने से पहले इस वीडियो में बने रहिए, इस वीडियो में आपको इसके सारे फीचर्स बताऊंगा और बताऊंगा कि प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए या नहीं, सब कुछ आपको बताऊंगा, फीचर्स वगैरह सब कुछ। बस आप इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं डिजाइन की। तो गाइस पर्सनली मुझे इतना ज्यादा डिजाइन पसंद नहीं आया है, क्योंकि थोड़ा बोल्ड लुक आपको यहां पर मिलता है, थोड़ा हैंडी, थोड़ा मोटा सा आपको यहां पर डिजाइन मिलता है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप जा सकते हैं। तीन कलर चॉइस आपको यहां पर मिलती है, जिसमें एक आपको ब्लैक मिलेगा, दूसरा आपको ब्लू मिलेगा, तीसरा आपको रेड कलर यहां पर मिलेगा। तीन कलर चॉइस मिलती है, जो कलर आपको पसंद आ रहा हो आप उसकी तरफ जा सकते हैं। और गाइस मैं आपको बता दूं, अनबॉक्सिंग वीडियो भी अपने चैनल पर आपको इसकी देखने के लिए मिलेगी, हो सकता है परसों या उसके एक दिन बाद तक आपको मिले, क्योंकि यार मेरे यहाँ पर थोड़ा कोविड का सीन ज़्यादा हो रहा है तो मे बी डिलीवरी मुझे टाइम पर ना मिले, एक दो दिन लेट हो सकती है, तो दो से तीन दिन में आपको इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो जरूर से मिलेगी। अब नेक्स्ट बात आती है गाइस यहाँ पर साउंड सेक्शन की, कि साउंड में क्या क्या देखने के लिए मिलता है। तो गाइस काफ़ी बड़े साइज़ के यहाँ पर आपको ड्राइवर्स मिल जाते हैं, जो कि ये 14.2 mm काफ़ी बड़ा साइज़ मिलता है। अगर ड्राइवर साइज़ बड़ा है तो थंपिंग बेस भी आपको मिलेगा, काफ़ी डीप बेस आपको यहाँ पर मिलेगा, अच्छा खासा बेस मिलेगा। और गाइस जो आपको यहाँ पर साउंड सुनने के लिए मिलता है ना, उसी के साथ में आपको यहीं पर एक माइक मिलेगा छोटा सा, जिससे कि आपको कॉलिंग में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। साथ में गाइस यहाँ पर जो आपको साउंड क्वालिटी मिलेगी वो काफ़ी बैलेंस मिलेगी, यानी कि नॉइस वगैरह नहीं आएगा, क्योंकि ENC का सपोर्ट आपको इसमें मिलता है। एनवायरमेंट नॉइस कैंसिलेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है, जिससे कि बाहर की जो नॉइस है ना वो आपको नहीं मिलेगी, क्लियर आपको एकदम नॉइस प्रूफ आपको साउंड यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अब गाइस बात आती है गेमिंग की। तो गाइस बोल्ट ऑडियो की तरफ से अभी कुछ ऐसा कंफर्म नहीं है कि यहाँ पर आपको गेमिंग मोड मिलता है नहीं, क्योंकि टीजर्स वगैरह में कुछ भी नहीं है। जहाँ पर मैंने इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो देखी किसी को भी ऐसा नहीं है कि गेमिंग मोड मिल रहा है, गेमिंग मोड आपको यहाँ पर नहीं मिलता। अब ऐसी बात नहीं है कि गेमिंग मोड नहीं मिल रहा तो आप इसमें गेमिंग नहीं कर पाओगे, ऐसा सीन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। 200-300 रुपए वाले TWS आते हैं, 200-300 रुपए वाले ब्लूटूथ नेकबैंड भी आते हैं जो कि लोकल क्वालिटी के आते हैं, उनमें भी आप गेमिंग कर पाओगे, ऐसा नहीं है कि गेमिंग नहीं कर पाओगे। लेकिन क्या होता है कि अगर एक स्पेसिफिक गेमिंग मोड होता है तो उसमें अंदर उसको हम डाल के फिर गेमिंग करते हैं तो एक स्मूथ आपको गेमिंग मिल जाती है, क्योंकि उसमें आपको लो लेटेंसी मिलती है। इसमें आपको कोई स्पेसिफिक गेमिंग मोड नहीं मिलता, ना आपको लो लेटेंसी मिलती है, तो एक स्मूथली एक हाई लेवल का आप गेमिंग इसमें नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ, अगर आप नॉर्मल यूजर हो, नॉर्मल गेमिंग करते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से इसमें गेमिंग कर पाओगे। अब नेक्स्ट बात आती है इस कनेक्टिविटी की। तो कनेक्टिविटी में आपको ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट मिलता है, साथ में 10 मीटर की वायरलेस रेंज मिलती है। 5.2 मिल रहा है, काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी फास्ट कनेक्टिविटी आपको मिलेगी, काफ़ी अच्छा कनेक्टिंग स्पीड आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ में गूगल असिस्टेंट आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, अगर आप इसको आईफोन में यूज़ करते हैं तो सीरीज पे आप एक्सेस कर पाओगे। सेकंड गाइस यहाँ पर आपको तीन बटन मिल जाते हैं, जिसमें कि एक आपको ऑन ऑफ का मिलेगा, दो आपको वॉल्यूम अप डाउन के बटन यहाँ पर देखने के मिलेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग उनको यूज़ कर सकते हैं। सेकंड गाइस बात आती है प्रोटेक्शन की। तो IPX5 का वाटरप्रूफ रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर मिल जाता है, जिससे कि आप इसको जिम के लिए यूज़ कर सकते हैं, रनिंग वगैरह के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, थोड़ा बहुत पानी वगैरह चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से इसको यूज़ कर पाओगे। सेकंड बात आती है बैटरी बैकअप की। तो गाइस काफ़ी बड़ा बैटरी बैकअप आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो कि 40 घंटे का बैटरी बैकअप आपको यहाँ पर मिलेगा, जो कि डिपेंड करता है आपके यूजर्स पर कि आप उसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बैटरी बैकअप डिपेंड आपके यूजर्स पर करता है। और गाइस यहाँ पर आपको अगर इसको 10 मिनट आप अगर चार्ज रखते हैं तो 15 घंटे का प्लेबैक आप इसमें ले पाओगे, यानी कि ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। 10 मिनट चार्ज रखोगे 15 घंटे का प्लेबैक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। Type-C पोर्ट आपको यहाँ पर चार्जिंग के लिए मिलता है, जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। अब गाइस बात आती है प्राइस की। तो बैटरी बैकअप वगैरह आपने देख लिया, सभी कुछ आपको बढ़िया मिल जाते हैं और प्राइस भी काफ़ी अच्छी मिली है। प्राइस इसकी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये क्या अभी लॉन्च में है तो लॉन्च डेट पर आपको काफ़ी अच्छी प्राइस मिल रही है, जो कि है 1299 रुपये, यानी कि 1300 रुपये। और गाइस ये है अवेलेबल अमेजोन पर, और अमेजोन पर कुछ कूपन कोड वगैरह चलते रहते हैं, जिसमें अगर आप 100 रुपये से ऊपर की शॉपिंग कर रहे हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है, 1000 की शॉपिंग कर रहे हो तो आपको फिर से 10% का कैशबैक मिलता है। तो ऐसे करके आप 100 से लेकर 150 रुपये तक का कैशबैक ले लोगे, और इसकी जो फाइनल प्राइस होगी वो 1100-1100 के समथिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। तो मे बी अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो गाइस आप पहले चेक कीजिए कि आपके जो अकाउंट है अमेजोन अकाउंट, उस पर ऐसा कोई ऑफर है जिससे कि आपको शॉपिंग करने पर कुछ डिस्काउंट मिल रहा हो या कुछ कैशबैक मिल रहा हो, तो आप उसको अप्लाई कीजिए और उसके बाद में ही इस प्रोडक्ट को बाय कीजिए, ताकि आपको 100 से 200 रुपये तक का कैशबैक मिल जाए और ये जो प्रोडक्ट है आपको 1100-1100 में ही मिल जाए।
अच्छा प्रोडक्ट है, बढ़िया प्रोडक्ट है, फीचर्स वगैरह अच्छे लगे मुझे, काफ़ी बढ़िया लगे। अब इसके अनबॉक्सिंग वीडियो जरूर से अपने चैनल पर देखने के आपके लिए मिलेगी, लेकिन जितना जल्दी हो उतना जल्दी इसको बाय करिएगा, क्योंकि अगर आपको लेना है तो जल्दी से लीजिए, क्योंकि इसकी जो लॉन्च प्राइस है ना वो है 1299। इसकी प्राइस में भी आगे जाके ज़्यादा हो सकती है, तो आपको अगर लेना है तो जल्दी आप इसको ले लीजिए। फीचर्स वगैरह काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, काफ़ी बढ़िया मिल जाते हैं, और आपको पता है रिटर्न पॉलिसी होती है अमेज़न पर, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप रिटर्न भी इसको कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो गाइस सारा कुछ आपने समझ लिया होगा, इस वीडियो को आपने देखा, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।